नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना कैक्टस कलेक्शन दिखा रही हूँ। ये सारे जो कैक्टस हैं मैंने सिरेमिक पॉट में लगाया हुआ है, और जो भी इसकी सॉइल है उसमें मैंने सैंड भी 30-40% मिलाया हुआ है। काफ़ी वेल ड्रेन सॉइल बनाई हुई है इसकी मैंने, क्योंकि अगर पानी इसमें ठहरता है तो कैक्टस के ख़राब होने की संभावना होती है। देखिए, एक मैंने हावर्थिया भी लगाया हुआ है, सेम वही जो कैक्टस सॉइल मैंने बनाई थी उसमें ही मैंने इसे लगाया हुआ है। और ये फुल सनलाइट में रखे हुए हैं। गर्मी के सीज़न में मैं रोज़ ही वाटरिंग करती हूँ इसमें। बस ये है कि इनको वेल ड्रेन सॉइल मैंने लगाई हुई है, जिससे कि पानी डालते से ही निकल जाता है पूरा। अब जब बारिश का सीज़न शुरू होगा तब हमको थोड़ा इसका ध्यान रखना होगा कि हम इसको ऐसी जगह पर रखें कि पानी इसमें रुके ना, पानी बारिश का साथ ही साथ निकल जाए, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं ये। और यहाँ देखिए ढेर सारी वैरायटी मेरी अलग अलग तरह की, इनमें अप्रैल मई में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हुई थी इन कैक्टस में, जो मैंने आपको दिखाया हुआ था। ये दोनों ही कैक्टस आप जो देख रहे हो बहुत सुंदर इसमें पिंक फ्लावर आए हुए थे। और देखिए ये छोटे जो कुल्हड़ होते हैं चाय वाले, उनमें मैंने ये लगाया हुआ है और इनको पेंट करके एक प्लांटर बना दिया है मैंने। इधर पे जो बनी कैक्टस है उसकी तीन वैरायटी मेरे पास है, वाइट, रेड और ग्रीन वाला है। जो इसके कांटे होते हैं उससे इनको डिफरेंशिएट करते हैं।